इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास पेज नंबर 173 के प्रश्न प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब पेज नंबर 173 का प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतने भिन्न दिखाई देने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न समझिए। प्रश्न कह रहा है, जैसे मान लीजिए अमेरिका का व्यक्ति है, चीन का व्यक्ति है, साउथ अफ्रीका का व्यक्ति है और भारत का व्यक्ति है, नेपाल का व्यक्ति है, तो इन सब के आकृति, आकार, रंग रूप अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, फिर भी सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, ऐसा क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, मानव में इतनी विभिन्नता का कारण है भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण मानव में विभिन्नता इतनी नहीं है कि उनके जीन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए। यही कारण है कि इतनी विभिन्नता के बावजूद भी मानव प्रजाति एक दूसरे से प्रजनन की क्षमता बनाए हुए है और ये सभी एक जाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मानव के आकृति, रंग रूप सब में विभिन्नता है, किंतु उनका जीन जो है अभी उतना परिवर्तित नहीं हुआ है कि इनकी जो जाति है वो अलग अलग बदल जाए। तो ये सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं और उन्हें होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि ये सभी मानव जाति, चाहे इंग्लैंड के हों, साउथ अफ्रीका के हों और भारत के हों, परस्पर एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य माने जाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या करें। प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी, इन चारों में से कौन उत्तम है, अर्थात कौन ताकतवर है परिस्थिति के अनुसार। तो उत्तर पहले समझें, फिर विस्तार से इसको समझ लेंगे। विकास के आधार पर हम नहीं बता पाएंगे कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपैंजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। क्यों नहीं बता पाएंगे? तो यहाँ आगे पढ़ें, क्योंकि मछली पानी में जीवित रह सकती है, जबकि चिंपैंजी तथा मकड़ी पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। देखिए, यहाँ इस आधार पर मछली उत्तम हो गई, क्योंकि मछली पानी में सर्वाइव कर सकती है, जबकि चिंपैंजी तथा मकड़ी अथवा मनुष्य पानी में जीवित नहीं रह सकते हैं। वहीं एक जीवाणु बहुत गर्मी में भी जीवित रह सकता है। अब देखिए, यहाँ इस आधार पे जीवाणु उत्तम हो गया, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर मछली, चिंपैंजी या मानव जो भी है मर जाएंगे, किंतु जीवाणु नहीं मरेगा, जबकि अन्य जीव उतनी गर्मी में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार चिंपैंजी जिस वातावरण में रह सकता है, उस वातावरण में मछली जीवित नहीं रह सकती है। अब मछली को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगी, किंतु जल में वो सर्वाइव कर जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबके शारीरिक अभिकल्प की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये सभी जीव अपने अपने स्तर पे विशेष हैं, कोई किसी से अधिक नहीं है, कम नहीं है। तो इस तरह से इस अध्याय के सभी पेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास, जो पेज नंबर 174 है, इसका प्रश्न समझ के साथ करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।